आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। चलिए अब रुक कर लेते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पहली खबर ज्वालापुर से है, जहां पर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी रवि बहादुर ने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है। साथ ही अपना जनसंपर्क अभियान भी उन्होंने तेज कर दिया है। इस उद्घाटन के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी ने सभी क्षेत्रवासियों से खास अपील की है कि आने वाले 14 फरवरी को कांग्रेस का बटन दबाकर मुझे विधायक बनाए और पूर्व विधायक ज्वालापुर ने जो काम नहीं किए हैं अब की बार जनता को वो सारे काम हम करके दिखाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सैनिक समाज के कुछ लोगों ने सदस्यता ग्रहण नहीं की है, वह इसलिए है क्योंकि उनके गांव में कोई भी विकास नहीं हुआ है। इसको लेकर ग्रामीणों के बीच भारी आक्रोश भी है। कमान का फैसला है और कई बातें ऐसी होती है जो बंद कमरे के अंदर हो जाती है, वो खुले मंच पे कहना थोड़ा, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। ये जो हुआ, जो भी पार्टी ने कोई सोच समझ के फैसला लिया है, इस फैसले का हम साथ हैं, उस फैसले का हम सम्मान करते हैं। रोहटा ने कहीं भी विकास नहीं किया, घाट क्षेत्र छोड़ दो, खादर क्षेत्र लोग, किसी भी जगह पर उसने कोई विकास नहीं किया। उनके पास मुद्दे ही हिंदू मुस्लिम के हैं, उनके पास विकास का मुद्दा है ही नहीं। वो हमेशा जो भी बात करते हैं हिंदू मुस्लिम ही करते हैं, विकास को लेना है ही नहीं। मीडिया से ज्यादा अच्छा कौन हमारा वो कर सकता है। सब प्रथम तो आपका जो है धन्यवाद, आप यहाँ पे आए, आपका स्वागत है। आगे की रणनीति तो हम तय कर ही रहे हैं, हम संवाद कर रहे हैं लोगों से, लोगों के बीच में जा रहे हैं और एक छोटे से कार्यकर्ता का आज कार्यालय खुलने जा रहा है, कांग्रेस पार्टी का कार्यालय खुलने जा रहा है। इस पे अपनी नेक इनायत रखना। और अगली खबर लालकुआ से है, जहां पर रिटर्निंग ऑफिसर ने सभी पार्टियों के चुनावी प्रत्याशियों के साथ बैठक करते हुए चुनाव से संबंधित जानकारी दी। वहीं इस दौरान रिटर्निंग ऑफिसर मनीष कुमार सिंह ने बताया कि इस बार चुनाव आयोग 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग जिन्होंने अपने घर पर मतदान किए जाने पर सहमति दी है, उनका वोट उनके घर पर ही डलवाया जाएगा। का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें आज 3 कार्यक्रम थे। एक तो पर्चा वापसी, इसको कहते हैं नाम निर्देशन वापसी, अगर कोई लेना चाहता है। 3 बजे तक का समय उसका था, उसके पश्चात प्रतीक आवंटन, प्रत्याशियों को जो प्रतीक है उनका आवंटन किया गया है और उसके बाद सभी प्रत्याशी या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं की एक बैठक ली गई है। बैठक में मुख्य रूप से जो उनके नवीनतम जो गाइडलाइंस है उसके बारे में बताया गया है और साथ ही इस बार जो 80+ सीनियर सिटीजन कैटेगरी के जो वोटर्स हैं और जो दिव्यांग वोटर हैं जिनको घर बैठे पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा इस बार उपलब्ध कराई जा रही है, उनकी सूची सौंपी गई और साथ ही उसकी प्रक्रिया के बारे में उनको बताया गया है। उत्तराखंड के विकास नगर विधानसभा क्षेत्र के बरोटी वाला में हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चुनावी जनसभा की है। सीएम हिमाचल ने विकास नगर विधानसभा में जनसंपर्क कर मुन्ना सिंह चौहान को जिताने की अपील की। बता दें कि जयराम ठाकुर ने हिमाचल की सीमा के साथ लगते 3 विधानसभा क्षेत्रों में 1 विकास नगर की सीट पर भाजपा प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील की। और हिमाचल प्रदेश आस पड़ोस में है, हम पड़ोसी है, हम बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में रहते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं। आज उत्तराखंड को हमारे सहयोग की आवश्यकता है, पार्टी के साथियों को, तो उसमें हम सहयोग देने के लिए यहाँ पर आए हैं। जब हिमाचल प्रदेश में नवंबर दिसंबर में चुनाव होगा तो उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में मदद करने के लिए आता है। निश्चित रूप से उत्तराखंड में बहुत बड़ा विकास हुआ है इन 5 वर्षों में और निश्चित रूप से मैं ये भी कह सकता हूँ डबल इंजन की सरकार ने जो विकास को गति दी, जो जरूरत यहाँ की थी उस जरूरत को पूरा किया है आदरणीय मोदी जी ने केंद्र से, निश्चित रूप से ही वहाँ यहाँ उत्तराखंड में। अगली खबर बाजपुर से है, जहां विधानसभा से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी सुनीता टमटा के साथ चुनाव प्रचार करने सुल्तानपुर पट्टी पहुंचे दिल्ली आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया। इस दौरान विधायक ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के विकास करने के बजाय अपने अपने करीबियों का ही विकास किया।
यहाँ लोगों में उत्साह और उमंग दिख रही है। पूरा का पूरा चुनाव जो है केवल भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में दिख रहा है। यहाँ पर इस चुनावी रेस में कांग्रेस कहीं नहीं है, और जिस तरीके से यशपाल आ रहा है जी, लगातार पार्टियां बदलते रहे हैं, वो कभी भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, कभी कांग्रेस में जाते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, तो लोगों का विश्वास उनसे उठ चुका है। साथ ही साथ उनका ये भरोसा नहीं है कि जीतने के बाद वो फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हो सकते हैं। तो कांग्रेस को दिया गया एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के बराबर है, क्योंकि जीतने के बाद उनका यह भरोसा नहीं है कि फिर भाजपा में जा सकते हैं। देखिए, ये तो मेरे जो ये पूरा परिवार है भाजपा, और ये मेरे जो कार्यकर्ता यहाँ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी मेहनत और शिद्दत से लगे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी मेहनत में कोई कमी रहेगी। और ये भाजपुर विधानसभा ये सब इन सबकी मेहनत के उससे जीता जाएगा, ये मैं कहना चाहूँगी। क्या अपील करना चाहेंगी हमारे चैनल से के माध्यम से जनता को? जनता से ये अपील करना चाहूँगी कि देखिए, आप सबसे निवेदन है इस बार इस बहू को न्याय दीजिए, ये कहना चाहती हूँ। मैं न्याय के साथ साथ ये भी कहना चाहती हूँ, मन में बहुत सारा कष्ट तो है लेकिन मैं कमज़ोर नहीं हूँ, और आप सबकी आवाज़ बनके, आप आम आदमी की आवाज़ बनके मैं बहुत दूर तक जाना चाहती हूँ। और ये कहना चाहती हूँ कि जितने मेरे युवा शक्ति मेरे भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत का उनको हिसाब मिलेगा, उनकी मेहनत का उनको जवाब मिलेगा, ये कहना चाहती हूँ। आप कमर कस लीजिए सारे भाइयों से, मेरी मातृशक्ति से भी कहना चाहती हूँ कि हम कमज़ोर नहीं हैं, हम बाजपुर में बदलाव लेके आए। वहीं रुड़की में कांग्रेस प्रत्याशी यशपाल राणा के कैंप कार्यालय का प्रीतम सिंह ने फीता काटकर उद्घाटन किया है। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे प्रीतम ने रुड़की वासियों से अपील करते हुए कहा कि सभी रुड़की विधानसभा की जनता भारी बहुमत से कांग्रेस प्रत्याशी यशपाल राणा को जिताकर विधानसभा भेजने का काम करे। वहीं यशपाल राणा ने कहा है कि यह लड़ाई कांग्रेस और भाजपा की नहीं है, यशपाल राणा और प्रदीप बत्रा की लड़ाई है, ईमानदारी और भ्रष्टाचार की लड़ाई है। बत्रा जी की जो चाल है, जब हारने की ओर कैंडिडेट होता है सारे तरंडे बनाता है। बत्रा जी क्या करेंगे, मोमडन एरिया में जाएंगे, अपने आदमियों से अपने पर हमला करवा लेंगे, कह देंगे जी कांग्रेस पार्टी वालों ने यशपाल ने हमला करा दिया। तो मेरी प्रशासन से यही विनती है कि उन्हें सिक्योरिटी और ज़्यादा प्रदान करें और उन पर 24 घंटे निगरानी रखें, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी रहे। वे दमंग की बात करते हैं, हम दमंग नहीं हैं, हम गरीबों के हक की लड़ाई लड़ना जानते हैं, हम किसी मुँह से ले कर जेब में रखना नहीं जानते। आपने देखा रामनगर की दुकान में एक बेचारा जूते काटने वाला, उससे के भी पैसे, वो तो प्रमाण है, आप लोग जाओ और उसकी वाइट लो। किसी प्रदीप बत्रा पे खराब नहीं होगी, जनता जानती है यशपाल राणा गरीब आदमियों के साथ खड़ा है, और चाहे उसके लिए हमें किसी भी हद तक के जाना पड़े, हम गरीब आदमियों के साथ सदा खड़े रहेंगे। आज रुड़की के अंदर रुड़की विधानसभा से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं यशपाल राणा जी, उनके कार्यालय का उद्घाटन आज संपन्न हुआ है। और जिस तरीके से कार्यालय उद्घाटन में लोगों का प्यार स्नेह आशीर्वाद कांग्रेस और यशपाल राणा जी को मिला है, ये स्पष्ट संकेत है कि 2022 के इस चुनाव में रुड़की के लोगों ने बदलाव का मन बनाया है और कांग्रेस में अपना पूरा विश्वास व्यक्त किया है। कालांजोगी विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी महेश शर्मा ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। चुनाव प्रचार कालांजोगी विधानसभा के गेबुआ सहित कई स्थानों पर जनसभाओं की तरफ से प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। जनसभा के दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। कार्यक्रम के दौरान महेश शर्मा ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार ने महंगाई चरम सीमा पर पहुंचा दी है। महेश शर्मा ने कहा कि जनता में एक परिवर्तन की लहर है। देखिए, जनता में एक परिवर्तन की लहर है, कार्यकर्ताओं में जोश है, पूरे क्षेत्र में एक परिवर्तन की बहार चली हुई है। आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में आज मातृशक्ति ने, किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ली है, और निश्चित तौर पर 14 फरवरी को आप देखिएगा एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये अचंभे में पड़ जाएंगे कि आखिर ये हुआ क्या, क्योंकि उन्होंने यह क्षेत्र में विकास के लिए कोई काम नहीं किया, कोई खाली अपना प्रचार वो करते हैं। किसान आंदोलन चल रहा था, हमारे माननीय विधायक जी यहाँ आए, किसानों ने
उनको काले झंडे दिखाए। देखिए, लोकतंत्र में काले झंडे दिखाना कोई अपराध नहीं है। काले झंडे इसलिए दिखाए जाते हैं कि आप हमारी बात सुनिए, आप हमारी बात मान नहीं रहे हैं, इसलिए हम प्रतीकात्मक रूप से आपका विरोध कर रहे हैं। वही पौड़ी में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के सफल संपादन के लिए एनआईसी कक्ष में पर्यवेक्षक पौड़ी और श्रीनगर डॉक्टर पार्थ सारथी मिश्रा, जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगडंडे की अध्यक्षता में राजनीतिक पार्टी और संबंधित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में ईवीएम मशीनों का रेंडमाइजेशन किया गया है। आपको बता दें कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने उपस्थित राजनीतिक दलों से आए प्रतिनिधियों को ईवीएम मशीन की विस्तृत जानकारी दी। अगली खबर सितारगंज से है, जहां पर देश भर में कोविड-19 ओमिक्रोन के चलते ऑनलाइन वर्चुअल रैली कैंपेन चला जा रहा है। इसी बीच भाजपा प्रत्याशी सौरभ बहुगुणा शक्ति फॉर्म अपने चुनाव कार्यालय पहुंचे हुए हैं, जहां पार्टी के आलाधिकारियों के साथ सौरभ ने वर्चुअल रैली में भाग लिया और वर्चुअल रैली में पूर्व सांसद और कैबिनेट मंत्री रमेश पोखरियाल ने सौरभ बहुगुणा और कार्यकर्ताओं को चुनाव संबंधी दिशा निर्देश दिए। वहीं रुड़की में भाजपा पार्टी से टिकट न मिलने पर नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे वेद टेक बल्लभ ने बड़ी बात कही है। उन्होंने बताया कि पार्टी के पदाधिकारियों की ओर से कहने पर आज मैंने अपनी पार्टी के हित को देखते हुए रुड़की से भाजपा प्रत्याशी प्रदीप बत्रा को अपना समर्थन दे दिया है और अब मैं पार्टी के हित में ही कार्य करूंगा, क्योंकि मेरे लिए पार्टी ही सर्वोपरि है। मैं भारतीय जनता पार्टी का था, भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति हूँ और भारतीय जनता पार्टी का सेवक ही रहूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहीं कुछ मन में व्यथा थी, कुछ पीड़ा थी, कुछ परिस्थितियाँ थी जिनके तहत मैंने ये विचार किया था कि मैं पार्टी संगठन से अलग होकर निर्दलीय रूप में जनता के बीच में आऊं, ताकि जनता को एक ऑप्शन मिल सके किसी को चुनने का। और ये तो आप जानते हैं, हमने पहले भी कहा है कि एक शहर में, अपने नगर में एक विकास की धारा बहाने और नगर के का सपना सौंदर्य पूरा करने के लिए, पूरा स्वप्न साकार करने के लिए तमन्ना दिल में है। अगर वो हमें अवसर मिलता तो हम ये जरूर करके दिखाते। जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार तेजी से चलता जा रहा है। आपको बता दें कि नरेंद्रनगर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी ओम गोपाल रावत अपनी टीम के साथ चुनाव प्रचार करते हुए कई गांव में पैदल चलते हुए तपोवन पहुंचे, जहां क्षेत्रीय जनता और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ नारेबाजी करते हुए उनका अभिनंदन और स्वागत किया। तपोवन में चुनाव प्रचार करते हुए इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी ओम गोपाल रावत ने लाव लश्कर के साथ तपोवन क्षेत्र में घर घर जाकर और अपने कांग्रेस के लिए वोट मांगे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान ओम गोपाल रावत ने भाजपा की कथनी और करनी में भारी अंतर बताते हुए कहा कि भाजपा जो कहती है वो करती नहीं है। बस ये चुनाव जो है जनता लड़ रही है इस सरकार के खिलाफ। निश्चित तौर से परिवर्तन का मन जो है जनता ने बना दिया है, जो आप लोग सारे जगह देख रहे हैं, पूरे जन सैलाब को देख रहे हैं, सरकार के खिलाफ माहौल बना हुआ है। निश्चित तौर से यहां पर भाजपा जा रही है और कांग्रेस पार्टी आ रही है, ये 1001% आप तय मान लीजिए, ये जनता ने अपना मन बना दिया है। आज दो, अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो, और आशाओं के आकांक्षाओं के अनुरूप जो जनमानस चाहती थी और जो ये सरकार सोच रही थी हम ये करेंगे वह करेंगे, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। और महंगाई की मार जनता झेल रही है, जो इन्होंने वायदे जनता से किए वो एक भी पूरा नहीं हुआ है। अब परिवर्तन का मन बन गया है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ओम गोपाल के रूप में हमें एक सुयोग कर्मठ ईमानदार प्रत्याशी दिया है और उनकी जीत 2022 के आने वाले चुनाव में निश्चित है, यह हम आपसे वादा करते हैं। नरेंद्रनगर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसके अंतर्गत जो है वर्ल्ड लेवल के ऐसे डेस्टिनेशंस हैं, जो धार्मिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन, प्राकृतिक पर्यटन, सबसे बड़ी तो यहाँ पर ये जो हमारी पहचान है और इस पहचान को बीजेपी सरकार ने जो है अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में लुप्त करने का काम किया है। हमारी मांग ये है, अगर सरकार आती है तो उसमें हम अपने घोषणा पत्र में भी इस चीज़ को रख रहे हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है तपोवन से लेकर के कोडियाला तक का, यहाँ पर जो है एक तो जो योगा का इतना बड़ा डेस्टिनेशन यहाँ पर है, लेकिन दुख की बात है कि अभी तक जो है यहाँ पर सरकार का अपना जो है योगा का जो सर्टिफिकेशन का कार्यक्रम है वो नहीं है। मैं
हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर योगा का जो भी सर्टिफिकेट यहाँ से दिया जाए वो हमारी सरकार का हो, उत्तराखंड का हो। और दूसरा, साहसिक पर्यटन की इतनी गतिविधियाँ यहाँ पर हैं जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर एक ऐसा साहसिक पर्यटन का एक संस्थान खोला जाए जिसमें यहाँ पर हमारा नौजवान पर्यटन, साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में अच्छी ट्रेनिंग ले सके। हरिद्वार में ज्वालापुर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी सुरेश राठौर ने एक निजी जगह पर एक सभा का आयोजन किया जिसमें विधायक सुरेश राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है और इसी के साथ पुष्कर सिंह धामी विधानसभा ज्वालापुर में पहुंचेंगे। इसी को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया था। उन्होंने कहा कि अब की बार उत्तराखंड में एक ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी 60 के ऊपर सीटों पर जीत हासिल करने वाली है। पहली तारीख को आज प्रचार शुरू हो रहा। माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखंड का यशस्वी मुख्य सेवक हमारी सेवक के विधानसभा क्षेत्र में आ रहा, तो इससे बड़ी गौरव की बात क्या हो सकती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा पहले दिन हमें मिल गया तो हम सौभाग्यशाली समझते हैं, श्री गुरुदास जी की कृपा समझते हैं, भगवान श्री राम का आशीर्वाद समझते हैं कि वो निरंतर कार्यकर्ता में बरस रहा। सुरेश राठौर जी, संत गुरु रविदास महाराज की जिंदाबाद। संत गुरु रविदास महाराज की। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।